छिंदवाड़ा में उपयंत्री पर काम के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया है। पंचायत सचिवों ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और उपयंत्री को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र के उपयंत्री आरपी सोनी एक बार फिर अवैध वसूली के आरोप में घिर गए हैं। तामिया के पंचायत सचिवों द्वारा संभागीय कमिश्नर महेश चंद चौधरी और लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया कि पंचायत प्रभारी एई आरपी सोनी के द्वारा कुआ मेण मंधान तालाब आदि कार्य के लिए कमीशन मांगा जाता है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में हिस्सेदारी भी मांगी जाती है और सचिवों को ब्लैकमेल किया जाता है। जनपद पंचायत सचिवों ने आरपी सोनी को हटाने की मांग की है। अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो पंचायत सचिवों का कहना है कि एक बड़ा धरना इसके बाद दिया जाएगा और आंदोलन भी चलाया जाएगा। उनको नोटिस दिया था कि आप उपस्थित रहे, उपस्थित हुए, उनके बयान लिए गए हैं। ये बयान जो दिए हैं, ये पूरी रिपोर्ट कमिश्नर साहब को पुट अप कर दी। बयान में उन्होंने ये स्पष्ट किया है, सचिव लोगों के जो बयान लिए हैं उन्होंने ये स्पष्ट करा है कि उनसे डिमांड की जाती रही है, काम भी अटकाते थे, इस टाइप से सारे बयान दिए हैं। तालाब के लिए 25,000 रुपये सेंक्शन कराने के मांगते हैं और बिलों को भी पास कराने के लिए बहुत कुछ राशि मांगते हैं। तो हम लोगों ने माननीय कमिश्नर महोदय को इसकी शिकायत की है, जिसकी आज जांच आई हुई है और हम लोग सब लोग तय किए हैं कि उनको यहाँ से हटाना है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बैठक रखी और हम चाहते हैं कि यहाँ से हटे तामिया जनपद पंचायत से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।